स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं विच लाई इन डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती हैं एंड दे आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। उनको न तो पैरेलल कह सकते हैं न इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। डिफरेंट प्लेन्स में लाई करेंगी ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं आपकी? स्क्यू लाइंस। लाइक एक आपका प्लेन ए है, एक प्लेन बी है, इसमें लाइन दिस इज सी डी लाइन ले लो, ये लाई कर दी है, इसमें पी क्यू लाइन लाई कर दी है। तो ये लाइंस डिफरेंट प्लेन्स में है, न दे आर नीदर दे आर इंटरसेक्टिंग नॉर दे आर पैरेलल, बट इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब हम फाइंड आउट करते हैं वो डिस्टेंस दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू। हम यहाँ पर दो स्क्यू लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो स्क्यू लाइंस के बारे में आपको पता है कि दे आर द लाइंस विच लाइन डिफरेंट प्लेन्स, न तो वो इंटरसेक्टिंग होती हैं एंड न ही वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे देखिए आपके पास दो लाइंस हैं, वन ऑफ द लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा इन टू बी वन वेक्टर एंड सेकंड लाइन जो डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही है वो है आपके पास आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा इन टू बी टू वेक्टर। ये दो लाइंस हैं। जो सेकंड लाइन है ए टू पॉइंट से पास हो रही है जिसके पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए टू है एंड फर्स्ट लाइन ए वन पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए वन एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। अब ये वेक्टर लेते हैं दिस इज पी वन पी वन एंड दिस इज क्यू वन। पी वन क्यू वन ऐसा वेक्टर है जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अगर हम ए वन ए टू को ज्वाइन करते हैं सो बेसिकली पी क्यू क्या हुआ, पी क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वन ए टू ऑन वेक्टर पी वन क्यू वन। पी वन क्यू वन वेक्टर के ऊपर ए वन ए टू वेक्टर का प्रोजेक्शन है, वो लेंथ क्या है आपकी, दिस इज पी क्यू। जैसे इस साइड में आप इसको टॉर्च मारेंगे तो परपेंडिकुलर जो लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के ऊपर जो ए वन ए टू की शैडो होगी, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वन ए टू ऑन वेक्टर पी वन क्यू वन वेक्टर। अब पी वन क्यू वन वेक्टर क्या है, पी वन क्यू वन वेक्टर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस एंड फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो या इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या है वी वन एंड सेकंड लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है वेक्टर बी टू। ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है तो पी वन पी क्यू वेक्टर क्या आएगा आपके पास, दिस इज बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, इसके पैरेलल होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। सो पी क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू विल बी प्रोजेक्शन ऑफ पी वन ए वन ए टू वेक्टर ऑन पी वन क्यू वन। सो क्या होगा, पी वन क्यू वन वेक्टर किसके इक्वल लिया आपने, दिस इज बी वन इनटू वेक्टर बी टू। सो
PQ प्रोजेक्शन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास कोई A वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर B है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर क्या होगा? स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम, स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा? दिस इज A डॉट B अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मींस प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो A का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अब यहां पर आप A1 A2 का प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं किसके ऊपर? वेक्टर P1 Q1 के ऊपर। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास? A1 A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर होगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये आएगा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ अपॉन क्या आएगा आपके पास? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालने हैं, कौन से वेक्टर के ऊपर? B1 क्रॉस B2 के ऊपर। सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे होगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बताइए डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे हैं एंड वो न तो पैरेलल होती हैं और न ही इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब यहां पर अगर हम ए वन वेक्टर लें, दिस इज इक्वल टू एक्स वन आई प्लस एक्स वाई वन जे प्लस जेड वन के, एंड ए टू वेक्टर दिस इज एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, एंड बी वन वेक्टर है आपके पास दिस इज इक्वल टू एल वन आई प्लस एल एम वन जे प्लस एन वन के है, एंड आपके पास बी टू वेक्टर है दिस इज एल टू आई प्लस एम टू जे एन प्लस एन टू के। सो आपके पास बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू आई डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, एंड दिस इज फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, दिस इज एल वन एल वन एल टू एल थ्री एंड एल दिस इज एल वन एम वन लिखो एल वन एम वन एन वन एंड दिस इज एल टू एम टू एन टू, ये आपके पास बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर होगा। एंड दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, एंड डॉट करेंगे इसका, दिस इज डॉट क्या आ जाएगा? कॉमोटेटिव होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट वेक्टर क्या आएगा? दिस इज आई जे के एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एंड एन टू, ये वेक्टर आएगा। जब आप इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट से, आई इंटू एम वन इंटू एन टू माइनस एन वन एम टू माइनस जे इंटू एल वन एन टू माइनस एन वन एल टू एन प्लस के इंटू एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, सो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, ये फर्स्ट रो में होगा, एंड दिस इज एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एंड एन टू, ये होगा। सो यहां पर दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वन ए टू बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर होगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सो जो न्यूमरेटर का फैक्टर है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड यहां पर बी वन क्रॉस बी टू फाइंड आउट किया, दिस इज आई इंटू एम वन एन टू माइनस एन वन, दिस इज एन वन क्या आ जाएगा एम टू
एंड माइनस जे इंटू क्या आएगा एल वन एन टू माइनस दिस इज एन वन एल टू एन प्लस के इंटू क्या आएगा आपके पास एल वन एम टू माइनस एल टू एन वन। ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यू शैल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अल्टीमेट फार्मूला आपके पास क्या हुआ, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक ए वन वेक्टर से पास हो रही है एंड सेकंड लाइन ए टू वेक्टर से पास हो रही है, सो क्या आ जाएगा ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड दीज दिस इज द वेक्टर ए वन ए टू, ए वन पॉइंट वन लाइन पे एंड ए टू सेकंड लाइन के ऊपर लाई करता है, अपॉन क्या आ जाएगा बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, या आप लिख सकते हैं दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन अपॉन सॉरी नॉट अपॉन थर्ड रो क्या आएगी एल टू एम टू एंड एन टू एंड अपॉन क्या आएगा आपके पास बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर ये लाइंस कोप्लेनर है तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास जीरो। तो इस केस में अगर लाइन पैरेलल नहीं है इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। सो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी आपके पास ए टू माइनस ए वन वेक्टर एंड डॉट बी वन क्रॉस बी टू, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, या ये कहिए एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एंड एन टू, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपके पास जीरो होगा अगर ये कोप्लेनर है एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सेकंड देखिए, आप देखते हैं अगर कोप्लेनर लाइंस हैं एंड वे पैरेलल हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ऑब्वियसली इनको डायरेक्ट इनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही वेक्टर होगा, दिस इज आर वेक्टर फर्स्ट लाइन ए बी की जो इक्वेशन होगी दिस इज ए वन प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर एंड सेकंड लाइन होगी आपके पास दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू एंड प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दे आर पैरेलल लाइंस, सो यहां भी पोजिशन वेक्टर को शो करने वाला सॉरी डायरेक्शन रेशियो को शो करने वाला वेक्टर बी है, यहां पर बी क्या है बी, इनके बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कहीं से भी दो लाइंस के बीच आप डिस्टेंस देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम मिलेगी आपको। सो अगर इसको ए टू पॉइंट लेते हैं एंड दिस इज ए वन पॉइंट, सो ये क्या हो गया आपके पास दिस इज ए वन, इसका पोजिशन वैक्टर ए टू वैक्टर है एंड इसका पोजिशन वैक्टर ए वन है। So A1 A2 vector this will be equal to A2 vector minus A1 vector, ये होगा अगर इन दोनों के बीच में A1 A2 को join करने वाली line and vector B के बीच angle theta है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास A2 minus A1 and cross B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास दिस विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड इनटू साइन थीटा होगा। सो आपके पास साइन थीटा क्या आया दिस इज इक्वल टू
ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए टू माइनस ए वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास साइन थीटा है, आपको ये लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, आप यहां से साइन थीटा क्या आएगा आपके पास, पी क्यू अपॉन दिस इज ए पी एपी मीन्स वेक्टर ए पी का मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट ये ले लो, दिस इज ए वन पी ले लो, दिस इज ए वन ए टू ही है रादर, दिस इज ए वन ए टू ले लो। सो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू दिस इज ए वन ए टू और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अल्टीमेटली आपके पास ये क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू दिस इज ए टू माइनस ए वन का मैग्नीट्यूड एंड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा आपके पास, ये होगा ए टू माइनस ए वन वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वन ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, दिस इज ए टू माइनस ए वन वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो इस केस में पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ये वो वेक्टर्स हैं जिनसे लाइंस पास हो रही है उनके पोजिशन वेक्टर एंड क्रॉस बी, बी उस उन लाइंस का डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर एक ही प्लेन में लाकर ये इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो होगी। सो दो लाइंस अगर कोप्लेनर है और इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी, मीन्स ए टू माइनस ए वन वेक्टर और डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू क्या होगा, उसमें जीरो के इक्वल होगा। लाइक एग्जांपल लीजिए, देखिए आपके पास आर इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दिस इज आई प्लस जे प्लस लैम्डा इन टू, ये है आपके पास टू आई माइनस जे, टू आई माइनस जे प्लस के के। एंड सेकंड लाइन है दिस इज इक्वल टू आपके पास है ये, दिस इज टू आई माइनस जे टू आई एंड दिस इज प्लस जे माइनस के प्लस न्यू इन टू, क्या है आपके पास थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के, थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के। इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो ए वन वेक्टर क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए टू वेक्टर क्या आएगा, दिस इज टू आई प्लस जे प्लस के, ए टू माइनस ए वन वेक्टर होगा आपके पास, दिस इज आई प्लस जीरो जे माइनस के वेक्टर माइनस के क्या, ये आ जाएगा टू माइनस टू आई माइनस आई, दिस इज आई जे माइनस जे जीरो जे एंड माइनस प्लस आएगा, दिस इज प्लस के। एंड बी वन वेक्टर क्या है आपके पास, बी वन इज इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस के एंड बी टू वेक्टर क्या है आपके पास, थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच क्या होगी, दिस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ये होगा। सो बी वन क्रॉस बी टू क्या आएगा आपके पास, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई जे के एंड दिस इज टू माइनस वन
एंड वन एंड ये होगा थ्री माइनस फाइव एंड टू टू, ये आ जाएगा आपके पास जब सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आई माइनस टू एंड प्लस फाइव, दिस इज थ्री आई माइनस जे माइनस सेवन के, माइनस जे माइनस सेवन के आए. दिस इज बी वन क्रॉस बी टू, ए टू माइनस ए वन वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है, सो क्या आ जाएगा आई प्लस माइनस के एंड डॉट क्या आएगा थ्री आई माइनस जे माइनस सेवन के अपॉन दिस इज थ्री आई माइनस जे माइनस सेवन के का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू थ्री एंड प्लस सेवन अपॉन क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस वन प्लस फोर्टी नाइन, दिस इज इक्वल टू टेन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी नाइन. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस. सो आप डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ऐसे डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है तो उसमें थोड़ा सा आप डिफरेंट चलेंगे. उसमें आप देखिए अगर आपके पास एक लाइन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस एट अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन दिस इज वन, एक लाइन ये है एंड सेकंड लाइन है आपके पास दिस इज एक्स प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री एंड इज इक्वल टू वाई प्लस सेवन अपॉन टू एंड जेड माइनस सिक्स अपॉन दिस इज फोर, दो लाइन्स हैं इनके बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो दोनों लाइंस उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वो वेक्टर है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा. सो इस केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड आउट करनी ही करनी है प्लस पी क्यू लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है. सो इसके लिए आपको जरूरी है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है, पी और क्यू के पॉइंट्स क्या होंगे क्या कोऑर्डिनेट होंगे. मान लीजिए ये अल्फा वन बीटा वन गामा वन है एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर अल्फा टू बीटा टू एंड गामा टू. सो अल्फा वन बीटा वन गामा वन इस लाइन करेंगे, इसको अगर हम क्या ले लें इसको एंड इस लाइन को अगर हम म्यू के इक्वल लेते हैं सो अल्फा वन क्या आएगा आपके पास अल्फा वन विल बी इक्वल टू थ्री लैम्डा प्लस थ्री, बीटा वन क्या आएगा दिस इज बीटा वन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस एट एंड गामा वन क्या होगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस थ्री. इसी तरह से अल्फा टू क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा टू दिस इज माइनस थ्री म्यू एंड माइनस थ्री, बीटा टू क्या आएगा दिस इज टू म्यू एंड माइनस सेवन एंड गामा टू होगा आपके पास फोर म्यू प्लस सिक्स आएगा. अब हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये क्या होंगे आपके पास दिस इज अल्फा टू माइनस अल्फा वन कॉमा बीटा टू माइनस बीटा वन एंड कॉमा गामा टू माइनस गामा वन, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो. ये लैम्डा और म्यू की फॉर्म में आप सबट्रैक्ट करके इनको निकालेंगे क्या आएंगे आपके पास दीज आर ये हैं, चेक कर लो इसको दिस इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन दिस इज माइनस थ्री न्यू माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स हो जाएगा एंड माइनस थ्री लैम्डा.
माइनस सिक्स कॉमा क्या आएगा आपके पास बीटा टू माइनस बीटा वन दिस इज टू म्यू एंड प्लस लैम्डा एंड माइनस फिफ्टीन कॉमा एट गामा टू माइनस गामा वन दिस इज फोर म्यू दिस इज फोर म्यू माइनस दिस इज लैम्डा एंड प्लस थ्री दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू. अब पी क्यू है ये लाइन आपके पास ए बी ले लो एंड दिस इज सी डी लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा आपके पास जीरो आएगा. सो यहां से ए बी के डायरेक्शन रेशियो थ्री माइनस वन और वन है क्या आ जाएगा आपके पास थ्री इंटू माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री लैम्डा एंड माइनस सिक्स एंड माइनस वन इंटू टू म्यू प्लस लैम्डा माइनस फिफ्टीन एंड प्लस वन इंटू फोर म्यू माइनस लैम्डा एंड प्लस थ्री विल बी इक्वल टू जीरो एंड सेकंड क्या होगा दिस इज माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री म्यू माइनस थ्री लैम्डा माइनस सिक्स एंड प्लस टू इंटू टू म्यू प्लस लैम्डा माइनस फिफ्टीन एंड प्लस फोर इंटू फोर म्यू माइनस लैम्डा एंड प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आपके पास दो लैम्डा में और इसमें दो इक्वेशंस आएंगी आपके पास एक इक्वेशन होगी जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा दिस इज माइनस थ्री म्यू माइनस टू म्यू एंड प्लस फोर म्यू क्या आएगा दिस इज इक्वल टू सेवन म्यू एंड प्लस इलेवन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. सेकंड को आप सोल्व करते हैं दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन म्यू एंड प्लस सेवन लैम्डा दिस इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो. सो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको इलेवन से सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज सेवेंटी सेवन सेवन से कर लो इसको दिस इज फोर्टी नाइन म्यू एंड प्लस सेवेंटी सेवन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड इसको इलेवन से करते हैं ट्वेंटी नाइन इंटू इलेवन ट्वेंटी नाइन इंटू इलेवन म्यू प्लस सेवेंटी सेवन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा इज इक्वल टू जीरो तो दोनों आपके पास म्यू और लैम्डा दोनों जीरो के इक्वल है. सो यहां से अल्फा वन बीटा वन पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अल्फा वन पॉइंट क्या है आपके पास अल्फा वन लैम्डा को जीरो रखेंगे अल्फा वन बीटा वन गामा वन दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस इज थ्री ए और दिस इज थ्री एंड बीटा अल्फा टू बीटा टू एंड गामा टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू म्यू भी जीरो है दिस इज माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सेवन और सिक्स है. आपके पास दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू के इनके बीच के डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास दिस इज इक्वल टू क्या आएगा थ्री प्लस थ्री प्लस के एंड प्लस माइनस सेवन माइनस एट माइनस फिफ्टीन का स्केयर प्लस माइनस फिफ्टीन का स्केयर प्लस सिक्स माइनस थ्री दिस इज थ्री का स्केयर क्या होगा आपके पास दिस इज एट्टी वन एंड प्लस टू ट्वेंटी फाइव एंड प्लस नाइन प्लस नाइन सो क्या आ जाएगा ये दिस इज नाइन्टी ऐड करेंगे इसमें स्केयर रूट ऑफ नाइन्टी दिस इज फाइव एंड थ्री एंड दिस इज क्या आएगा आपके पास 90 ऐड करते हैं 225 में 90 ऐड करेंगे दिस इज 5 1 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 315 ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है.
बट सेकंड जो चीज थी आपको क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ द लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन की इक्वेशन। इसमें आप क्या करेंगे, दिस इज दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट ये है एंड सेकंड ये पॉइंट से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस एट अपॉन माइनस सेवन माइनस एट इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन सिक्स माइनस थ्री। क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन दिस इज सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एट अपॉन फिफ्टीन एंड दिस इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस थ्री। माइनस कॉमन ले लिया, थ्री से भी कैंसिल कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज टू एंड दिस इज फाइव एंड ये होगा आपके पास दिस इज माइनस वन। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको क्या निकालनी हो, उनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी हो, तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दोनों लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये पॉइंट पी ले लिया ये क्यू एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन की हमें इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास अल्फा वन बीटा वन एंड गामा वन एंड इसके कोऑर्डिनेट हैं अल्फा टू बीटा टू और गामा टू, ये हैं। सो अल्फा वन बीटा वन गामा वन फर्स्ट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वल टू म्यू दिस इज सेकंड। So, क्या आ जाएगा, अल्फा वन दिस इज इक्वल टू टू लैम्डा, बीटा वन दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री लैम्डा एंड गामा वन दिस इज इक्वल टू लैम्डा एंड सिमिलरली अल्फा टू इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास थ्री म्यू प्लस टू एंड बीटा क्या आएगा आपके पास बीटा टू दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव म्यू एंड प्लस वन, गामा टू क्या आएगा this is 2 mu minus 2i and now direction ratios of pq pq ke direction ratio kya honge, these are 3 mu minus 2 lambda and plus 2 comma this is minus 5 mu and plus 3 lambda and plus 1 comma kya aega, this is 2 mu 2 mu minus 2 mu minus lambda and minus 2 minus lambda minus 2 ये होगा। अब PQ line line AB जो कि ये है AB and CD line के perpendicular है, so PQ line के direction ratio और AB line के direction ratio का dot product कितना आएगा आपके पास 0, so यहाँ से क्या हो जाएगा 2 into 3 mu minus 2 lambda plus 2 and minus 3 into minus 5 mu plus 3 lambda plus 1 and plus 1 into 2 mu minus lambda minus 2 minus 2 is equal to 0 and यहाँ से first equation क्या बनेगी, 6 mu plus 15 mu कितना होगा 21 mu, this is 20 3 mu के इक्वल हो गए एंड लैम्डा दिस इज माइनस 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा एंड एक ये दिस इज माइनस 14 लैम्डा एंड आपके पास दिस इज 4 एंड माइनस 3 दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 2 है दिस इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड केस में क्या आ जाए, एक बार फिर कैलकुलेट कर लो, 6 म्यू प्लस 15 म्यू 21 म्यू प्लस 2 23 म्यू माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस 9 लैम्डा दिस इज माइनस 13 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा माइनस 14 लैम्डा एंड दिस इज 4
माइनस थ्री, वन बचा आपके पास, दिस इज माइनस वन है, दिस इज माइनस वन फॉर माइनस थ्री एंड माइनस टू है, दिस इज माइनस वन। एंड सेकंड केस में क्या होगा, इस लाइन के डायरेक्शन ले सो, दिस इज थ्री इंटू थ्री म्यू, यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज थ्री एंड यहां क्या होगा, दिस इज माइनस फाइव, माइनस फाइव एंड यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू टू। सो देखो यहां क्या बनेगा, नाइन म्यू एंड प्लस ट्वेंटी फाइव म्यू, नाइन और ट्वेंटी फाइव, दिस इज थर्टी फोर एंड प्लस क्या आएगा आपका फोर, नाइन म्यू प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर प्लस दिस इज थर्टी एट म्यू एंड लैम्डा होगा, दिस इज माइनस सिक्स लैम्डा एंड माइनस दिस इज फिफ्टीन लैम्डा, माइनस ट्वेंटी वन हो गया एंड माइनस टू, दिस इज माइनस ट्वेंटी थ्री। फिर देखो माइनस सिक्स लैम्डा, माइनस फिफ्टीन लैम्डा, माइनस ट्वेंटी वन एंड माइनस टू, माइनस ट्वेंटी थ्री, माइनस ट्वेंटी थ्री लैम्डा एंड ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी, सिक्स माइनस फाइव, वन बचा, दिस इज माइनस फोर, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस थ्री, दिस इक्वल टू जीरो। सो क्या होगा आपके पास, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड ये है आपके पास फोर्टी लैम्डा। सो इसको अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें, ट्वेंटी थ्री से, इसको किससे करें, फोर्टीन से, लैम्डा की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, फाइव ट्वेंटी नाइन म्यू माइनस क्या आ जाएगा, फोर्टीन इंटू ट्वेंटी थ्री लैम्डा एंड माइनस ट्वेंटी थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको फोर्टीन से करेंगे, फोर्टीन दिस इज फोर्टीन एट जा वन हंड्रेड ट्वेल्व, दिस इज टू बयालीस और ग्यारह, दिस इज फाइव थर्टी टू एंड म्यू माइनस ये है आपके पास 14 प्लस 23 लैम्डा एंड इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 42 इज इक्वल टू जीरो। सो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 3 म्यू माइनस 3 म्यू एंड दिस इज प्लस क्या आएगा, ये दिस इज 23 और 42, दिस इज 19 इज इक्वल टू जीरो। म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 19 अपॉन 3, म्यू 19 अपॉन 3 है, तो आप यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 23 अपॉन 23 इंटू 19 अपॉन 3, 23 अपॉन 19 अपॉन 3, देखो क्या होगा, दिस इज 3 माइनस 57, 38, 5, 43 अपॉन 3 माइनस 14 लैम्डा, क्या बचेगा, दिस इज माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या बचेगा, 4 3 और 3 अपॉन माइनस 3, 14 से कैंसिल हो सकता है क्या, 14 दिस इज 4 बचेगा, यहां से 4 बचेगा, 14 से कैंसिल करेंगे 3 एंड दिस इज 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 31 अपॉन 3, म्यू क्या है आपके पास, 19 अपॉन 3 एंड लैम्डा क्या है आपके पास, दिस इज 14 अपॉन 3। तो यहां से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा आपके पास, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, क्या होगा, दिस इज लैम्डा, लैम्डा 62 अपॉन 3 एंड दिस इज माइनस 93 अपॉन 3, माइनस का आएगा, दिस इज माइनस एंड ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास, 31 अपॉन 3 एंड अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, दैट वाज आई थिंक 19 अपॉन 3, म्यू क्या था आपके पास,
म्यू इज इक्वल टू 19 अपॉन 3। रखो यहाँ पर 57 प्लस 6 कितना आ गया 63 अपॉन दिस इज 3 एंड ये हो जाएगा माइनस 95 एंड प्लस 3 माइनस 92 अपॉन 3 एंड ये क्या होगा आपके पास दिस इज 1938 माइनस 6 32 ये आएगा आपके पास दिस इज 32 अपॉन 3। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, क्या आ जाएगा दिस इज x माइनस 63 अपॉन 3 अपॉन क्या आएगा दिस इज 63 ये 62 ले लो दिस इज 62 63 by 3 minus 62 by 3 is equal to y plus 93 upon 3 ये क्या आ जाएगा minus 92 upon 3 minus plus हो जाएगा 93 upon 3 is equal to y minus 31 upon 3 and this is equal to 32 upon 3 minus क्या होगा आपके पास this is 31 upon 3। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर